सुबह से वीडियो बनाना शुरू करो ना, शाम हो जाती है। सुबह का खाना खत्म करो, वीडियो बनाओ, और शाम के खाने का टाइम हो जाता है। Lightning strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. शेयर करती हूँ अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, और अपने मम्मी पापा से, यानी जो भी आसपास के लोग होते हैं, और उनके सुनने के बाद मैं बनाती हूँ अपनी एक राय, क्योंकि रिव्यू करते हैं बहुत ही ज्यादा मैटर। क्योंकि हम जब कोई नई चीज खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदो तो रिव्यू मिल जाते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन की बात करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी चीजों को लेकर मुश्किल हो जाती है। तो मैं तो रिव्यू के ऊपर बहुत फोकस करती हूँ, इसलिए सबसे पूछती हूँ लूं कि नहीं लूं। तो आज जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है ये आपके जरूर काम आएगा। मेरा एक कलेक्शन जो कि कारपेट्स का है, दरियों का है, या छोटे मोटे जो भी मेरे जो फुटमैट्स वगैरह हैं उनका जो भी है, इस टाइम फ्रेम के अंदर जितना कवर कर सकती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक ऐसा कारपेट जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि आपको इसे फ्लोर पे बिछाना है। तो वो है देखो, ये मैंने ऑनलाइन लिया था, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब है। जैसे एक बेडशीट की क्वालिटी होती है, इसकी बिल्कुल वही क्वालिटी है। ये समझ लीजिए जैसे बेड कवर होते हैं ना, ये उनकी, ये उस क्वालिटी का है। आपको ये लोकल शॉप में खूब मिल जाएंगे, थोड़े से थिक होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लगता कि कारपेट बिछा रखा है। क्योंकि इस पे अगर आप बैठ के काम भी करेंगे ना तो ये सरकता है फ्लोर पे, तो आप अगर खड़े होते हैं तो पैर सरकता है, तो उसकी वजह से आप गिर भी सकते हैं। तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगी। तो अगर आप ऑनलाइन कहीं पे भी देख रहे हो तो इस तरह के कारपेट मत लेना। देखो ये है, ये बिल्कुल बेडशीट वाला लुक है इसका। हाँ, अगर आप इसे लेना चाहें तो, अगर आपके घर में सिंगल बेड है, जैसे दीवान है, जैसे मेरा ये दीवान है, इस पे बिछाने के लिए आप इसे ले सकते हो, उसके लिए परफेक्ट है। क्योंकि देखो ये थोड़ा सा बेड कवर की तरह से है, मोटा है, भारी है, आप इसे बिछाओगे ना तो ये बिल्कुल नहीं सरकेगा, गंदा नहीं होगा। That maybe he ain't worth it. Too bad I hate advice. 'Cause out of sight and फर के कारपेट्स आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, और क्वालिटी के ही अकॉर्डिंग इनके रेट्स होते हैं, और क्वालिटी के हिसाब से इनका जो फर है वो काफी सॉफ्ट होता चला जाता है। इन्हें आप, जरूरी नहीं है कि आप इन्हें फ्लोर पे बिछाने के काम में लें, जैसे कि मैंने इस चेयर पे डाल के इसको यूज किया है। बिल्कुल चेयर का जो लुक आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक सोफा पड़ा हुआ है, और इसी तरह से आप अपने सोफे के ऊपर भी इन्हें बिछा सकते हैं और सोफा कवर की तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो ये कारपेट आपके कलेक्शन में एक अच्छी चीज साबित हो सकते हैं। और हाँ, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, और इसका जो प्राइस था वो 1800 से 2200 के बीच में था। दरिया मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ज्यादा, एक तो इन है आजकल, बड़ी ट्रेंडी लगती हैं, और बहुत सारे डेकोर आप इनके साथ कर सकते हो। ये बचे हुए कपड़े से बनाते हैं, तो मम्मी ने आगरा में ही कहीं से बनवाई थी। तो जो पुराने कपड़े होते हैं, बचे हुए कपड़े होते हैं, उन्हें वो ले लेते हैं बनाने वाले, और शायद 150 या 200 या 300 रुपीज है, मुझे तो याद नहीं, मम्मी ने ही बनवाई थी। तो ये मैंने दो, मम्मी ने मुझे बनवा के दी थी। बहुत ये भी अच्छी लगती है, जैसे घर में कोई फंक्शन हो, कथा हो, तो उसमें इन्हें बिछाया जा सकता है। ये सब बचे हुए कपड़े होते हैं, और वो लोग अपने हिसाब से ही डिजाइन बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो ये भी खूब यूज होती हैं। तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसे हैं कारीगर जो बना सके तो आप इन्हें बनवाइए। और अगर आप इन्हें ऑनलाइन लेते हो तो ये बहुत कॉस्टली मिलती हैं। एक बार मैंने मंगाई थी और आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी, फिर मैंने उसे रिटर्न किया था, क्योंकि उसमें कमेंट आया था कि दी इसे मत खरीदो, फिर मम्मी ने भी ये बनवा के भेज दी थी।
वो शायद 800 या 900 रुपीस की थी और ये तो बहुत सस्ती बन जाती हैं, बहुत ही सही रहती हैं ये। एक है ये दरी, ये बहुत ही मुझे पसंद आई और मैं इसे मम्मी से लेकर आई थी, काफी साल हो गए हैं और ये मेरी दादी जी की निशानी है तो मुझे एक चीज उनकी अपने पास रखनी थी। अगर बोहो डेकोर वगैरह करो ना तो उसके साथ ये बहुत अच्छी जाएगी। तो अगर आपके घर में भी पुरानी दरियां हैं जो पहले बिछाया करते थे तो वो भी आप जो है फर्श पे या फ्लोर पे बिछा सकते हो, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका डिजाइन है। ये शायद 1400 रुपीज की थी या कुछ ऐसी है, काफी बड़ी है ये, देखो कितनी बड़ी दरी है, 6x4 इसका साइज है। ये मैंने लोकल शॉप से खरीदी हुई है और इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा ना, आप बोहो डेकोर करते हो तो या कोई भी डेकोर आप करते हो उसमें मुझे ऐसा लगता है फ्लोर पे बस ये दरी आप बिछा लें और दो कुशन भी अगर रख लेंगे ना तो उस जगह की रौनक अपने आप बढ़ जाएगी। ऑनलाइन अभी मैंने कोई भी दरी नहीं खरीदी है इसलिए मुझे उसका रिव्यू नहीं पता, लेकिन लोकल शॉप पे सर्च करिए, वहां आपको ऐसी दरियां बहुत सस्ती कम दामों पे मिल जाएंगी। ये कारपेट आप मेरे वीडियोस में बहुत ज्यादा देखते हो, मैंने दिवाली पे भी आपके साथ शेयर किया था। ये थिक है, थोड़ा सा मोटा है और ये मैंने लोकल शॉप से लिया था। पीछे कोई इसमें प्लास्टिक रबर कुछ नहीं लगी हुई है, तो जिसमें रबर नहीं लगी हुई रहती है वो निटेड होते हैं, मतलब उन्हें बुना जाता है तो वो ड्यूरेबल होते हैं काफी। और ये हाई रेंज में आते हैं, थोड़े से महंगे चले जाते हैं, जैसे मैंने शायद ये 4500 का या 4000 का या ऐसे लिया था, 4,500 का लिया था, याद नहीं मुझे। पैर रखो ना तो बहुत सॉफ्ट सा लगता है, पैर दबता है तो बड़ी अच्छी सी फील आती है। ये बहुत अच्छे रहते हैं अगर आपका बजट है इतना और अभी जैसे आप इकट्ठे कर रहे हैं, कलेक्शन बना रहे हैं अपने लिए कारपेट्स का, तो आप इसको ले जरूर लीजिए। अब यहाँ बैठ के पियेंगे एक कप गर्मा गर्म बढ़िया वाली चाय, नहाने के बाद वाली हो गई, एक और पियेंगे। Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth reel. अब ये है एक ऐसा कारपेट जिसको कि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। ये मैंने अमेज़न से लिया था और लास्ट ईयर ही लिया था। इतने मेरे पास पुराने पुराने कारपेट्स हैं जो अभी तक एज इट इज चल रहे हैं, लेकिन ये मैंने ऑनलाइन लिया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। ओपन करके इसको इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ कि इसके पीछे ना प्लास्टिक थी और देखिए वो पूरी प्लास्टिक जो है छूट गई है और उसमें से एक बुरादा सा जो है निकलता रहता है, जिसकी वजह से अब इसको मैं बिल्कुल नहीं बिछा पाती। और मैंने सोचा था कि इसके पीछे कोई पुरानी बेडशीट मैं चिपका दूंगी या मतलब अब मुझे कुछ ना कुछ इसका इलाज करना पड़ेगा तभी मैं इसको यूज कर सकती हूँ, लेकिन ये मत लीजिएगा। मैंने दिखाया था तब आप लोगों को 3D डिजाइन इसका, मुझे बहुत पसंद आया था, थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा आपको। इस जो पीछे रबर लगी होती है ना, वो मैं प्लास्टिक बोल गई थोड़ा सा, तो जो पीछे रबर लगी रहती है ना उस रबर वाले को आप मत लीजिए, या अच्छी क्वालिटी की रबर हो उसी को आप लीजिए, वरना ये दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। और एक है मेरा ये कारपेट जो कि मैंने किचन के लिए लिया था, इसके जैसे प्राइस थे उसी हिसाब से इसकी क्वालिटी निकली, मतलब ये शायद 300 या 400 के आसपास था। जब मुझे ये मिला था तो मुझे इसका डिजाइन वगैरह काफी अच्छा लगा था किचन के लिए और थोड़ा सा पतला था तो मेरी किचन छोटी है तो उसमें ये परफेक्टली जा रहा था। और इसके पीछे एक रबर जैसी चीज थी, लेकिन है क्या, इसकी जो रबर है ना वो भी मतलब काफी डेलिकेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी हो, वैसे ठीक है, लेकिन अगर आप इसे सोच रहे हैं ये लंबे टाइम तक चलेगा तो मुझे नहीं लगता ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। वैसे मैं इसे जैसे बिछाती रहती हूँ, काफी बिछाती रहती हूँ, थोड़ा सा गंदा भी हो रहा है ये, अभी तक तो सही चल रहा है, आगे का नहीं पता ये कैसा निकलेगा। और अब आता है नंबर मेरे मोस्ट फेवरेट कारपेट्स का, जो कि रफ है, बिल्कुल रफ टू यूज है और सालों साल चलते हैं, बिल्कुल सिंपल लोकल शॉप से खरीदा हुआ एक ऐसा कारपेट है जिसे मैंने 700 रुपीज में खरीदा था सालों पहले, शायद 600 रुपीज में खरीदा था, सालों हो गए इस कारपेट को। ये मतलब इस तरह से होता है कि इसमें पीछे कोई रबर नहीं दी हुई होती है और ये प्रिंट्स में आते हैं, ढेरों प्रिंट्स में आते हैं, ना तो कभी इसके कलर खराब हुए, मतलब कितने सालों से मैं इसको वॉश करती हूँ
और ये बिल्कुल खराब नहीं होते हैं, और ये मैंने दो खरीदे थे, और इनको तो मैं जब क्लीन करती हूँ तो सर्फ से, डिटर्जेंट से और कारपेट क्लीनर से क्लीन करती हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इनके कोई भी कलर खराब हुए हों। इसके बाद है एक ये कारपेट जो कि रनर की तरह से है, लंबा कारपेट। ये कारपेट जो होते हैं ना, ये बेड के साइड में डालने के बहुत काम आते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ज्यादातर जो वॉशरूम होते हैं, बाथरूम्स होते हैं, उनके बाहर हम छोटे मैट डाल देते हैं, लेकिन उसमें बच्चों के जो पैर है वो उसमें वो नहीं सूख पाते हैं, नहीं ड्राई हो पाते, क्योंकि वो जल्दी से निकलते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे कि वो एरिया थोड़ा सा मतलब गंदा हो जाता है, उसमें पानी के पैरों के निशान आ जाते हैं। तो हमेशा अपने वॉशरूम के सामने थोड़ा सा रनर वगैरह अगर आप डालेंगे तो इसके ऊपर चलते चलते तक बच्चों के जो पैर हैं और आपके भी पैर जो है वो ड्राई हो जाएंगे। इसमें पीछे रबड़ लगी हुई है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कई बार वॉश होने के बाद भी अभी तक इसकी रबड़ जो है बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। ये मेरे लोकल शॉप के भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, और कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सब खुद खरीद के मैंने यूज किया ना, उसके बाद ही आपको बता रही हूँ। और ये है मेरा सबसे पुराना कारपेट, और अभी तक ये इतना सुंदर लगता है, इतना बढ़िया लगता है, क्योंकि इसकी जब मैंने इसे लिया था तभी ये बहुत कॉस्टली आया था, तब मैंने शायद इसे, अब रेट नहीं याद है, लेकिन हाँ उस टाइम मुझे बहुत कॉस्टली लगा था, और मैं इसको देख के ना शॉप से वापस आ गई थी, और काफ़ी दिन सोचने के बाद मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन में रही थी, और फिर मैंने इसको खरीदा था। इसमें थोड़े से ना जो है मोटे मोटे से रोए निकले हुए हैं, या थ्रेड्स आप इनको बोल सकते हो, निकले हुए हैं। जिन कारपेट्स में थ्रेड्स निकले रहते हैं वो कई वेराइटी में आते हैं। पहला, जिनमें की जो ये थ्रेड्स हैं ये पीछे बुने हुए नहीं रहते हैं, मतलब उन्हें बस आगे पेस्ट कर दिया जाता है, जो कि निकलते रहते हैं। दूसरा, वो मोटे ही थ्रेड होते हैं। और दूसरे ऐसे आते हैं जो बहुत ही पतले पतले थ्रेड्स के आते हैं, उसमें भी सेम चीज होती है। जो पतले थ्रेड के होते हैं उन्हें जब आप बहुत यूज कर लेते हो तब उनके थ्रेड निकलते हैं। दूसरा होता क्या है, उनके थ्रेड्स इतने ज्यादा घने होते हैं कि अगर कुछ निकल भी जाते हैं तो भी कारपेट के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं, मतलब वो बहुत ज्यादा खराब नहीं दिखता है, मतलब वो आप उसे काफी दिनों तक यूज कर सकते हो। मेरे पास वो भी था, लेकिन वो मैंने चीकू के लिए विंटर्स में निकाल दिया था, वो स्पेस होता था। अब ये हैं वो रग जो कि आप मेरे वीडियोस में बहुत ज्यादा देखते हो, और ये हैं जूट के। इनका डिजाइन बहुत ही अच्छा होता है, सुंदर लगते हैं, दूसरा गंदे नहीं होते हैं और सालों साल चलते हैं, और कम एरिया को अगर आपको कवर करना है तो ये रग बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, और आजकल तो बहुत सारे इसमें पॉम पॉम वाले और अलग अलग कलर के डिजाइन भी आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कलर मिक्स है, आउटर एरिया में पहले जब मेरी ग्रास नहीं बिछी हुई थी तो मैं वहां पे भी इसको डाल दिया करती थी, और ये अच्छा लगता था। ये दोनों जूट के रग मैंने अमेज़न से लिए थे, लोकल शॉप में मथुरा में मुझे ये नहीं मिले थे। और ये है मेरा सबसे मजबूत कारपेट जो कि लिविंग एरिया में मेरे बिछा रहता है, बहुत रफ यूज होता है लेकिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसको शायद 5 to 6 ईयर्स हो गए होंगे, लोकल शॉप से मैंने इसको लिया था। और पीछे क्या हो रखा है, जैसे एक इन्होंने ना दरी टाइप एक मोटा कपड़ा पीछे पेस्ट कर रखा है, सिलाई नहीं है, पेस्ट कर रखा है, और जिसकी वजह से इसे मजबूती मिली है। थोड़ा सा मोटा है ये, और बहुत ही अच्छा है। ये नॉर्मली आपको मिल जाएंगे 2000 तक की रेंज में, आपको ये मिल जाएंगे। ऑनलाइन ये और भी ज्यादा महंगे मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें टाइम के साथ सस्ती होती हैं और कभी कभी टाइम के साथ महंगी होती हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि ये सस्ता हुआ है या ये महंगा हुआ है। और रेगुलर मैं इसको वॉश करती रहती हूँ और ये मेरा मेंटेन रहता है। ये तो आपने बहुत देखा है मेरे वीडियोज में नॉर्मली। अब इसे मैं थोड़ा सा हटाने की सोच रही थी कि थोड़ा सा कभी कभी लगता है ना हमें चेंज करना चाहिए। वीडियो बनाते बनाते बज गए हैं 7:00 PM। बहुत ढेर सारे मेरे कारपेट जो कि मैंने बड़े संजो के रख रखे थे, मतलब उन्हें रखना पड़ता है ऑर्गेनाइज करके, सब बाहर आ गए हैं। अब शाम का खाना बना के उन सबको बिल्कुल रखूंगी कायदे से। तो एक बड़ी मेहनत हो गई उनको निकालना रखना, तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना,
और हाँ, पसंद आए तो लाइक तो करना ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत के लिए भी लाइक हो जाता है, और काम में आया हो तो भी कर देना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों की इन सब चीजों के बारे में क्या राय है, क्योंकि कमेंट सेक्शन केवल हम नहीं पढ़ते, जितने भी हम फ्रेंड्स हैं हम सारे लोग कमेंट्स को देखते हैं, तो एक दूसरे की भी हेल्प हो जाती है। तो आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो करती हूँ मैं यही खत्म, और फिर मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।